भाग्यश्री डोंगे, वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीलंका में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शन के बाद आवास छोड़कर भागे राष्ट्रपति राजपक्षे। चंद्रपुर जिले में भारी बारिश का सिलसिला है जारी, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया गया था जारी। और अमरनाथ यात्रा पर गए लोगों के बीच बचाव अभियान, 11 से ज्यादा घायल यात्रियों को पवित्र गुफा से निकाला बाहर। अब खबरें विस्तार से। श्रीलंका में आर्थिक संकट काफी गहरा हो गया है। इस बीच महंगाई से परेशान लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए हैं। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आवास के बाहर काफी हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। देश के आम लोग महंगाई से त्रस्त है। काफी दिनों से लोग ऑयल और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोलंबो में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वॉरन कैनन का भी इस्तेमाल किया है। इस बीच गाले क्रिकेट स्टेडियम में भी हंगामा होने की खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच हो चल रहा है। प्रदर्शनकारी यहां भी पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कपिल नगर डीबी स्क्वाड के तहत कपिल नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से तंबाकू बेचने वाले आरोपी के परिसर में छापेमारी की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तंबाकू का माल जब्त कर लिया है। आरोपी निजामुद्दीन याह थोक का प्रभारी है। तंबाकू को छोटी गाड़ियों से बड़े स्टोरों में भेजा जाता है। आरोपी उपलवाड़ी वाड़ी गोविंदगढ़ का रहने वाला है और छिंदवाड़ा एमपी से तंबाकू का सामान मंगवाया जा रहा था। आरोपी के पास से कुल 14 बोरी तंबाकू जब्त किया गया है। पिछले 2 साल से चल रहे इस अवैध धंधे में करीब 5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई कपिल नगर थाना PI अमोल देशमुख के मार्गदर्शन में PSI संजय वानखेड़े, PC आशीष सातपुते, PC गणेश सहुसकड़े ने शुरू की है। आज सकाळी गोपनीय खबर मिळाली, कपिलनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये उपलवाडी शहीनशाह चौक या परिसरामध्ये एक इसम त्याच्या राहत्याघरामध्ये काही प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू, गुटखा आणि पान मसाला अशा वस्तूंचा साठा करून त्याची विक्री करत आहे। त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनकडील तपास पथक आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी पोहोचून खात्री केली असता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्या घरामध्ये गोण्यांमध्ये माल भरून असल्या मिळून आला। तर पुढील कारवाईसाठी आपण अन्न सुरक्षा विभाग त्यांच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं, त्यांच्या समक्ष सदर मालाचा पंचनामा करण्यात आलेला आहे। पंचनाम्यामध्ये एकूण सध्या आतापर्यंत 5,60,000 आसपास मालाची किंमत आहे, जो प्रतिबंधित माल मिळून आला त्याची। त्यातील जो आरोपी आहे तो रियाज अन्सारी राहणार ताजनगर, ज्याने त्या ठिकाणी एक किरायाने घर केलं होतं, त्या ठिकाणी तो मालाचा साठा करून विक्री करत असल्याची माहिती होती। प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करीत आहोत। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। YS जगन मोहन रेड्डी को आजीवन पार्टी अध्यक्ष चुना गया। जगन वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जगन को पिछली बार 2017 में पार्टी के सम्मेलन में YSRC का अध्यक्ष चुना गया था। YS जगन मोहन रेड्डी को शनिवार को युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी का आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर यह प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले पार्टी के संविधान को संशोधित किया गया ताकि जगन को आजीवन अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सके। जगन ने
कांग्रेस छोड़ने के बाद 2011 में YSRC का गठन किया था और तभी से वह पार्टी के अध्यक्ष है तथा उनकी मां विजयम्मा मानद अध्यक्ष रही है। जगन को पिछली बार 2017 में पार्टी के सम्मेलन में YSRC का अध्यक्ष चुना गया था। परिवार में कथित मतभेद के चलते विजयम्मा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि विजयम्मा ने कहा कि वह अपनी बेटी शर्मिला का साथ देने के लिए YRS छोड़ रही है। शर्मिला पड़ोसी राज्य में YRS तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष है। जगन को आजीवन पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखने के लिए YRC को अब निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी होगी ताकि प्रत्येक 2 साल पर इस पद के लिए पार्टी को चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़े। चंद्रपुर जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश चल रही है। जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन इस बारिश से किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं। चंद्रपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जिले में नदियां और नाले पुर भर गए हैं। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस पूर्वानुमान के अनुसार पूरे जिले में कमोबेश बारिश हो रही है। वर्तमान में जिला प्रशासन समय समय पर इस बात का ध्यान रख रहा है कि जिले में कहीं भी बाढ़ की स्थिति या नागरिकों का जीवन बाधित न हो। वही जिले के अधिकांश हिस्सों में बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि यह बारिश कृषि के लिए उपयुक्त है। मदनापुर में खान परिवार के घर के बकरे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। नौजवान संदल कमेटी अध्यक्ष लतीफ खान व पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष हाजी गनी खान के घर कुर्बानी के लिए यह बकरे तैयार है। आने वाले 10 तारीख को ईद की तैयारियां उत्साह से की जा रही है। बकरी ईद आने वाले 10 तारीख को है, जिसकी तैयारी जोरों से शुरू है। मध्य नागपुर के खान परिवार ने अलग अलग नस्ल के बकरे लाए हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हैं। नौजवान संदल कमेटी अध्यक्ष लतीफ खान ने बताया कि जमुनापारी, चंबल, सोजत व हंसा नस्ल के बकरे लाए हैं। नागपुर शहर युवक कांग्रेस के वसीम खान ने अवाम से कहा कि ईद में सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, ईद पर अपनी जिद, लालच, कीना, जलन और बदगुमानी की भी कुर्बानी देनी चाहिए। इस मौके पर पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष हाजी गनी खान, हाजी कुद्दुस खान, वसीम खान, ताजवली, रियाज अहमद, साहिल, फरदीन खान, दामू कोर्ती, शोएब, बंटी, बिलाल खान, जरीन अमान, अयान खान भी आदि उपस्थित थे। ये बकरों की खास नस्लें होती है जिसमें जमुनापारी, सोजत, हंसा, चंबल जैसे कि हर एक किस्म के होते हैं। राजस्थानी बकरे आते हैं, अजमेरी बकरे आते हैं और इनका वेट और इनकी खूबसूरती के हिसाब से इनका रेट रहता है। जैसे हमने यहाँ पे 1,35,000 की भी जोड़ी लाए है जिसका वेट 100 लगभग है, किसी का 125 है। और ऐसी हमारे यहाँ बकरे सोजत नस्ल की है तो खूबसूरती के ऊपर से रहते हैं और उनका भी वेट काफ़ी रहता है। ऐसे ही हंसा नस्ल के बकरे होते हैं, उनका भी खूबसूरत का वेट रहता है और पिंकिश कलर के रहते हैं। और जो चंबल घाटी से बकरे आते हैं उनका भी रेट काफ़ी होता है। तो यहाँ पे जो बकरों के रेट है खूबसूरती और उनके वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। का स्वागत। महानगर के बाद अब नशीले पदार्थ ग्रामीण इलाकों में फैल रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में जिला स्तरीय मादक द्रव्य विरोधी समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय नशा मुक्ति समन्वय समिति की पहली बैठक में जिला कलेक्टर अमोल येडगे ने कहा कि गांजा की खेती करने वालों को कठोर कारावास दिया जाएगा। जिला स्तरीय नशा मुक्ति समन्वय समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिलीप भुजबल पाटिल, प्रभारी उप समाहर्ता सविता चौधरी, जिला कृषि अधीक्षक नवनाथ कोलबकार, जिला सूचना अधिकारी मनीषा सावले, लोक निर्माण अधीक्षण अभियंता दीपक सोनतके, संध्या शेट्टे, विस्तार अधिकारी शिक्षा, परिवहन निरीक्षक अक्षय सोलंकी उपस्थित थे। गांजा की खेती, बिक्री और स्टॉक की जानकारी सभी विभाग एक दूसरे को दे ताकि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जा सके। भांग की खेती के लिए क्या सजा है, इसकी जानकारी किसानों को देनी चाहिए। मरिजुआना एक प्राकृतिक औषध है। 20 किलो से कम गांजा ले जाने पर 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि 30 किलो से अधिक गांजा ले जाने या स्टोर करने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जिले में सिंथेटिक नशीले पदार्थों का परिवहन व वितरण भी किया जा रहा है। इस संबंध में जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और इस संबंध में स्कूलों और कॉलेजों में जानकारी उपलब्ध कराने और छात्रों को नशीली दवाओं के सेवन से हतोत्साहित करने का निर्देश दिया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा पर गए लोगों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेकेपी ऐसे कई सैन्यों की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 11 से ज्यादा घायल यात्रियों को सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पवित्र गुफा से निकाला गया। अमरनाथ यात्रा पर गए लोगों के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। घातक 15, जिसमें से 7 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, जबकि 2 अज्ञात हैं। पवित्र गुफा में हालांकि बारिश का अनुमान है। पहला सैन्य हेलीकॉप्टर उतरने के बाद और दूसरा हेलीकॉप्टर लगातार प्रयास के बाद उतरा। 11 से ज्यादा घायल यात्रियों को सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पवित्र गुफा से निलगार हेलीपैड तक पहुँचाया गया है। मलबा हटाने और लापता की तलाश में तेजी लाई जा रही है। 2 गैर घातक घायलों को सुबह मलबे से बरामद किया गया, जबकि फिसलन भरे रास्ते के कारण पवित्र गुफा की ओर जाने वाली घाटी में आवाज ही कम है, इसलिए पैदल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित हो चुकी है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव का शनिवार दोपहर निधन हो गया। उन्हें कई दिनों से फेफड़ों में दिक्कत थी। स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार दोपहर उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। निधन की खबर मिलते ही मुलायम सिंह यादव मेदांता के लिए रवाना हो गए। परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंच सकते हैं। साधना यादव की मुलायम सिंह यादव के साथ दूसरी शादी हुई थी। पुणे में बागुल उद्यान के पास एक व्यक्ति ने नाले में खुदकुशी करने के लिए छलांग लगा दी थी। उसे डूबता देख दत्तवाड़ी थाने के सिपाही सद्दाम शेख तुरंत नाले में कूद पड़े और उस व्यक्ति को बाहर निकाला। ये घटना कल शाम करीब 5:30 बजे की। नागपुर के प्रेस क्लब में 9 जुलाई शनिवार दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस वक्त कांग्रेस के नेताओं द्वारा अनेक विषयों पर चर्चा की गई और मीडिया से संवाद साधा गया। इस पत्र परिषद में महाविकास आघाड़ी को लेकर भी सवाल पूछा गया था, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये आज का विषय नहीं है, पर बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सो मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करूँगा कि इस सभी गतिविधियों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बहुत योगदान है। मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात कर रहा हूँ, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जैसे इनकम टैक्स है, उसका योगदान है। बाकी आज का विषय ये नहीं है और आप सब समझदार हैं।
मुझे इस विषय पर कल बताऊंगा। इस विषय पर विकास जी हमारे बताएं। कल बताऊंगा। तो वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।